नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02-2300-1634। इसके अलावा आप 02-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर एक बार फिर से गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। और एमसीएक्स पर सोने का भाव इस वक्त अगर आप देखें तो करीब 100 रुपए नीचे है और चांदी में करीब 1000 रुपए की गिरावट है। तो क्या आज शाम के कारोबार में एक बार फिर से बाजार तेज गिरावट का शिकार होगा और आपको करना क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के, और एग्री मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक दलवाई जी होंगे, चेयरमैन है डर्मर्स इनकम कमेटी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे होगा कि गोल्ड में काफी गिरावट आ चुकी है, क्या आज शाम के लिए इस मार्केट में कोई ट्रेड लेना ठीक रहेगा, और अगर हाँ तो किस तरह का ट्रेड लिया जाए, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड? मृत्युंजय जी, गोल्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 50,000 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट भी है जिस पर बाजार कल जिसको बाजार ने कल रात को थोड़ा तोड़ा नीचे की तरफ और फिर एक रिकवरी देखने को मिली। परंतु गोल्ड को एक रेसिस्टेंस मिल रहा है 50,600-650 के आसपास, तो हमारा एडवाइस होगा थोड़ा यहाँ से रिकवरी देखने को मिलता है। अगर गोल्ड में गोल्ड अगर 550 के आसपास का दाम मिलता है तो वहाँ पर एक बिकवाली का ट्रेड बनता है 50,710 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा इसमें 50,250 रुपये। ठीक है रविंद्र जी, आपका व्यू क्या होगा? एक जो बड़ी गिरावट का माहौल बना गोल्ड में और सिल्वर में, ये ठीक है कि फंडामेंटली थोड़ा सा बदलाव ये आया कि डॉलर मजबूत हुआ और जो अमेरिका में राहत पैकेज की बात हो रही है उसको लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, इससे मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ एक सेकेंड वेव की बात हो रही है कोरोना की दुनिया के कई देशों में, तो क्या आप एक बार फिर से, ठीक है जो डॉलर मजबूत हुआ उसका इम्पैक्ट हमने देखा, लेकिन अगर सेकेंड वेव का खतरा बढ़ता है तो क्या एक बार फिर से हम बड़ी निवेश मांग गोल्ड में देखेंगे? बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक आपने एकदम राइटली बताया कि कल का जो सेल ऑफ था वो अक्रॉस ग्लोबल एसेट्स था, तो इक्विटी मार्केट्स भी नीचे आ गया, गोल्ड भी नीचे आ गया, और ये सिमिलर हमने मार्च में भी देखा था जब भी सारा ही एसेट क्लास नीचे आ गया था एंड उसके बाद हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में रैली देखी थी, और सेम सिनेरियो हमने कल के सेशन में भी देखा है। डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, तो मेरे हिसाब से पॉसिबल है कि 63.90-64 के आसपास जाके, सॉरी 93.90-94 के आसपास जाके वहां से करेक्शन आए, तो मेरे ख्याल से ये जी या फिर एक ब्रेकआउट का, और 1906-1910 का जो लेवल ब्रेक हुआ है हो सकता है कि यहाँ से और थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है टुवर्ड्स 1870-1860, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वहां से फिर से एक बार बाइंग आ सकती है, तो आई थिंक और थोड़ा सा नीचे आ सकता है गोल्ड सिल्वर, बट लोअर लेवल्स पे हम इसमें फिर से एक बार बाइंग की उम्मीद कर सकते हैं। सर रविंद्र जी, आपने कहा कि थोड़ी सी गिरावट और आएगी लेकिन उस लेवल पर बाइंग फिर से शुरू की जा सकती है, तो अब आप ये बताएं कि थोड़ी गिरावट मतलब कितनी गिरावट, किस लेवल पे बाइंग शुरू की जाए? अब जैसे मैंने बताया मृत्युंजय, 1860 इंटरनेशनल में, तो अगर एमसीएक्स की बात करें तो 49,500 से 49,400 तक के लेवल हम एमसीएक्स पे देख सकते हैं, और अगर चांदी की बात करें तो चांदी में अराउंड 58,000 तक का लेवल आ सकता है। $2,250 सिल्वर में एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, मेरे हिसाब से 2350-23 के आसपास एक बार हम सिल्वर को आते हुए देख सकते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू समवेयर अराउंड 59,000-58,500, तो मेरे ख्याल से और 1,500 अगर करेक्शन आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहां से मुझे लगता है कि एक पुलबैक आ सकता है
पॉसिबल है, क्योंकि हमने कल और आज के सेशन में काफी एक सेलिंग देखी है, तो हो सकता है कि चांदी में 1,000-1,500 रुपए ऊपर आ सकता है, वहां से एक बार सेलिंग आएगी। सो आई थिंक जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा खराब हुआ है अभी, और जैसे मैंने आपको बताया नीचे में 58,500 तक का पॉसिबिलिटी है, बट अगर किसी को बेचना भी है तो ऊपर के लेवल पे बेचना चाहिए, यहाँ पे नहीं बेचना चाहिए। यहाँ पे एक रिस्क ट्रेड ले सकता है, जैसे कि सिल्वर में 59,500 जो आज का लो है उसके आसपास स्टॉप रख के एक बार बाउंस बैक के लिए बाइंग कर सकते हैं, और इवन गोल्ड में मेरे हिसाब से 49,850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस रख के अराउंड 50,200 या 50,100 के आसपास आता है, तो एक बार बाउंस बैक के लिए बाई कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल पे 50,800-950 आता है वहां पे एक बार शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी गोल्ड में थोड़ी गिरावट आए तब बाइंग का मौका आपके लिए बनेगा। अब आप बताएं सचिन कि इंट्राडे के ट्रेडर को जो आज शाम के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं गोल्ड में, उनको इस भाव पर एग्जैक्टली इसी भाव पर ताजा भाव पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? हाँ, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कल की जो गिरावट आई है उसके बाद में आज भी वापस से एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला है। ऑल्दो करीब 12 बजे के आसपास से मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड करता हुआ नजर आया, गोल्ड स्पेशली 50,100-50,400 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार एक पुल बैक जो है इन लेवल से देखने को मिल सकता है, करंट लेवल से तो नहीं, बट अगर 101 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ से आता है तो 50,200 के लेवल्स अच्छे रहेंगे, वहां से एक बार बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, 50,030 रुपए का एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और अपसाइड में हमें लगता है एक बार 50,600 रुपए तक के टारगेट इंट्राडे में गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। चांदी पर राजीव जी आपका क्या व्यू है? सिल्वर का मार्केट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टूट चुका है, तो क्या चांदी में अब बाइंग का लेवल आ गया है या थोड़ी और गिरावट बाकी है, क्या लगता है आपको? मृत्युंजय जी, अभी थोड़ा गिरावट बाकी है, मुझे लगता है कि चांदी यहाँ से और 1,000 से 1,500 पॉइंट तक और नीचे में गिर सकता है, और अगर मैं बिल्कुल अभी करंट भाव की बात करूँ और एक इम्पॉर्टेंट लेवल की बात करूँ तो 60,800-900 अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल है फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर 60,900 के ऊपर बाजार टिकता है तब जाके इसको करीबन एक रैली मिलेगी 1,000 पॉइंट की, अदरवाइज मुझे लगता है कि 300 से 400 पॉइंट भी अगर रिकवरी मिले 60,300-350 तो 60,900 के स्टॉप लॉस से बेच के चलना चाहिए। मुझे लगता है बाजार एक बार आज के लो को भी ब्रेक कर सकते हैं, इनफैक्ट 59,200-59,000 तक के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी पर है। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसमें बदलाव को आज राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है, और अब यहाँ पर जो कृषि उत्पाद हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी है, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। अनाज, खाने के तेल, तिलहन, दालें, प्याज, आलू के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। ये नियंत्रण तभी होगा जब कोई आपात स्थिति आएगी, यानी जब दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तब सरकार यहाँ पर इंटरवीन करेगी, हस्तक्षेप करेगी। इसका पीछे मकसद ये है कि मार्केट को थोड़ा फ्रीडम दिया जाए, मार्केट मेच्योर हो और कारोबारी खुलकर कारोबार कर पाए, किसानों को आज़ादी मिले और एक अच्छा ट्रेड देश में पनपे, इसके पीछे ये मकसद है। क्योंकि जब ये एक्ट बना था 1955 में, उस समय देश में उत्पादन कम था और अचानक जब दाम बढ़ते थे तो सरकार के पास ये हथियार होता था कि इसके जरिए स्टॉक लिमिट लगाए और डिमांड सप्लाई को प्रॉपर मार्केट में बनाए रखे। इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी के हेड अशोक दलवई जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दलवई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है, जो इसमें बदलाव हुए हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा अभी क्या होने वाला है नियर टर्म में, हाल के दिनों में? नमस्कार जी, इससे डायरेक्टली दो फायदा इमीडिएटली होने वाला है। पहला फायदा यही है कि अब हमने जो ट्रेड में बैरियर थे उसको ये नया कानून के माध्यम से उसको लिफ्ट कर दिया। इसका मतलब अब डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए हम एक नया तरीके के ट्रेडर्स को इन्वाइट कर रहे हैं। अब तक खाली जो छोटे ट्रेडर्स रहते थे इसके साथ
अब होलसेलर्स भी आएंगे, प्रोसेसर्स आएंगे, एक्सपोर्टर्स आएंगे, अलग अलग प्रकार के ट्रेडर्स आएंगे, तो फायदा यही होगा कि किसानों के उपज पर, कमोडिटीज पर ज्यादा बिट होगा, ज्यादा डिमांड होगा, तो इससे अपने आप किसानों को ज्यादा प्राइस मिलने का संभावना है। ये तो पहली फायदा है। सेकेंड फायदा ये है, अच्छा। अगर हम चाहेंगे ये ट्रेडर जो है, एक्सपोर्टर हो या रिटेलर्स हो, अगर उनको खरीदने के लिए हम उनको एक अवकाश देना है, तो नेचुरली वो खरीद कर कहीं स्टोर करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब तक वो जो कैप रहता था एसेंशियल कमोडिटीज के जरिए, अब उसको निकाला गया है, डीरेगुलेट किया गया है, तो इसे क्या होगा, अब हमारे जो एक्सपोर्टर्स है या प्रोसेसर्स है या होलसेलर्स है, वो अब एग्री लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जैसे स्टोरेज है, ड्राई स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रीपर वैन है। अब तक हमारा देश में सबसे बड़ा कठिनाई यही है कि हमारा एग्री लॉजिस्टिक्स प्रकार का जिस प्रमाण का होना था नहीं था, तो ये डी रेगुलेशन से अब पेरिशेबल्स के भी और नॉन पेरिशेबल्स के लिए भी एग्री लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा। ये दो फायदा मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो फायदे आप देख पा रहे हैं, ये तो चलिए अच्छी बात है और हम भी उम्मीद करते हैं कि फायदा हो, लेकिन कई बार होता है ग्राउंड पर फायदा होता नहीं है। अब इस नए बदलाव के ऊपर दो सवाल खड़े हो रहे हैं, दो आप कह सकते हैं कि जो इसकी आलोचना हो रही है, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके पीछे तर्क ये है, और मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि एक तरफ आपने कहा कि डीरेगुलेशन हो गया और सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, आपने कहा कि जो प्रोसेसर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो फार्मर हैं, ये सब फ्री होकर आप काम काज कर पाएंगे और इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन सर, ताजा मसला प्याज का है और आप जून में सरकार ने अध्यादेश लाया था इसके ऊपर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के ऊपर, और उसके अध्यादेश के दौरान ही और जब अगले दिन ही लोकसभा में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के ऊपर चर्चा होनी थी, उससे ठीक एक दिन पहले प्याज के एक्सपोर्ट को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, और ये प्रोविजन इस नए बदलाव में किया गया है कि आपात स्थिति में सरकार इंटरवीन करेगी। आपको लगता है कि इस एक प्रोविजन से इस बदलाव का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप देखिए प्याज का एग्जांपल सामने है, प्याज में तुरंत सरकार ने इंटरवीन किया, एक्सपोर्ट को रोक दिया, किसानों ने विरोध किया, चिट्ठी लिखी गई, इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? यस, आप तो वो ठीक कह रहे हैं, अब तो क्योंकि अब एक कानून बन गया है और कानून में अब तो जो पैरामीटर दिया गया है किस सिचुएशन में हम इसको लागू कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये स्टोरेज पर वो लागू नहीं होगा। जो आप जो कह रहे हैं, नॉर्मली वो एक्सपोर्ट के बारे में कह रहे थे, मगर अब तो कानून बन गया तो जरूर ये होगा कि क्योंकि न तो ये तो डिबेशन हो जाएगा, कोई भी चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अब से क्योंकि अब पार्लियामेंट्री लॉ बन गया और जब इसका एसेट हो जाएगा मान्य प्रेसिडेंट से, तो एक्ट बन जाएगा, उसके बाद तो इसके साथ कोई ऐसा कोई सरकार या कोई अधिकारी इसको इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, तो जरूर सरकार इसको मर्यादा देंगे और इससे ही एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल गया जो प्रोसेसर एक्सपोर्टर जो है या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जैसे पैकेज स्टोरेज का पार्टिसिपेंट पार्टनर होंगे, जरूर वो एक क्रेडिबिलिटी होगी, सरकार इसको लागू नहीं कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन जैसे प्राइस राइज होगा जैसे वहां कहा गया है या फैमिन है, वॉर सिचुएशन है, तो अलग बात, तो नॉर्मल सिचुएशन में जरूर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बिल्कुल सर, ये बात बहुत सही है, जो जो एबनॉर्मल सिचुएशन है वो अलग बात है, उस दौरान सरकार इंटरवीन करेगी और करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज और सर पूछ रहा हूं, जो मार्केट में डर है कि अब ये इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव के बाद जो नियंत्रण सरकार का हटेगा दालों से, खाने के तेल से, आलू से, प्याज से, इससे क्या कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ने का डर रहेगा? क्या ये डर जायज है या ये डर बेबुनियाद है, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा सर, एक ऐसा कोई डर रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार इस इश्यू को जैसे स्पेकुलेशन या होल्डिंग जो आप कह रहे हैं ना, इसको नेगोशिएट करने के लिए दो तरीके से कोशिश कर रहा है। पहली बात यह है कि हमारे देश में अब शॉर्टेज का नहीं, सरप्लस का सिचुएशन है, फूड ग्रेन्स हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, जो भी हो, हमारे सरप्लस का सिचुएशन अब है। अब एक तरीके से किसान को ठीक डिमांड नहीं मिल रहा था,
इसलिए उनको डिमांड मिलना शुरू होगा। सेकेंड ये बात है, जैसे ऑनियन प्याज का विषय आपने कहा, प्याज में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में एक्चुअली लॉजिस्टिक्स नहीं था स्टोरेज के लिए, और कुछ खाली 3 या 4 स्टेट में इसका वो प्रोडक्शन होता था, मगर पूरा देश में इसका डिमांड रहता है। ये प्रोडक्शन सेंटर मान लीजिए 60% महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र से अगर हमको दिल्ली या उत्तर प्रदेश को भेजना है तो हमारे लिए जिस प्रकार के व्हीकल्स चाहिए था, जिस प्रकार के स्टोरेज वहां चाहिए था उत्तर प्रदेश या दिल्ली में, वो नहीं था। अब क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंदर 1,00,000 करोड़ को सरकार ने एक एलोकेशन किया है एग्री लॉजिस्टिक्स के लिए, इससे क्या होगा, अब ऑनियन के लिए हो या टमाटर के लिए हो, जो भी परिश्रम के लिए हो, स्टोरेज बन जाएगा। तो ये स्टोरेज बनने से मैं समझता हूँ ये जो अनइवननेस है प्रोडक्शन और कंजम्पशन वो ठीक हो जाएगा, स्पेकुलेशन होने का कोई सवाल उठता नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया जवाब आपने दिया, और आपने इस आशंका को खारिज किया कि अब स्पेकुलेशन होने का सवाल नहीं उठता है। देखना होगा ग्राउंड पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये एक डर है, इस डर का जवाब आपने बखूबी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक दलवाई जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में आसान भाषा में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है बीके गुप्ता जी का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गुप्ता जी। सर नमस्कार। सर एक तो ये जानना था कि सिल्वर जो है वो अभी नीचे कहाँ तक जा सकती है, और दूसरी चीज ये है कि क्या अनिल जी के लिए भी ऐसा, हेलो जी, ये जो इसकी तरह अनिल जी प्रोग्राम करते हैं उसमें भी ऐसा प्रोग्राम शुरू करवा दीजिए जिससे उनसे बात कर सके हम उसमें। नहीं नहीं बिल्कुल, अच्छा आपकी बात मैं उन तक पहुँचाऊंगा निश्चित तौर पर, कि आप उनसे बात करना चाहते हैं बिल्कुल, वो आपको दिन भर हालांकि बताते रहते हैं कहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है और क्या करना है, और बखूबी मैं आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा। बहुत शुक्रिया। चलिए सर आपका सवाल अब चांदी के ऊपर है कि चांदी में और कितनी गिरावट आ सकती है। सचिन जी बताएं चांदी में और कितनी गिरावट आने की संभावना है। लेवल से देखा जाए तो हमें लगता है कि करीब 1500 से 2000 पॉइंट तक का फॉल चांदी के अंदर और देखने को मिल सकता है। ऑल्दो कॉमेक्स मार्केट जो है वहां पर अगर देखा जाए तो 23.50 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और मार्केट नियर टू दैट लेवल ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें लगता है एक बार 23.50 का सपोर्ट वहां पर टेस्ट कर सकता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर एमसेक्स मार्केट में देखा जाए तो 58,000 तक के लेवल्स जो है वो एक बार डाउनसाइड में देखा सकता है। अच्छा ठीक है, अगला सवाल है अशोक का गंगानगर से। पूछिए अशोक जी। नमस्कार पूछिए। सर ऐसे है ये ग्वार 4500 से कब आएगा और चने का ओपन नीचे का भाव बताओ जी। हेलो बताइए राजीव जी, ग्वार और चने का भाव क्या होगा, आगे बढ़ेगा घटेगा क्या होने वाला है? मृत्युंजय जी चना तो एक स्ट्रांग बुल ग्रिप में लग रहा है, मतलब लगता है कि अभी ट्रेंड और प्लस ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहना चाहिए। 5200 थोड़ा सा एक इसके लिए हर्डल पॉइंट है, 5200 का पॉइंट एक बार ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि 5350 तक दाम चने के जा सकते हैं ऊपर में। और दूसरा सवाल आई थिंक ग्वार सीट पे था ना, आई थिंक सेकेंड सवाल ओके ग्वार में मृत्युंजय जी मुझे थोड़ा सा करेक्शन लग रहा है, एक बार बाजार हो सकता है 3900 तक आए और 3850-3900 एक अच्छे लेवल्स होंगे इसमें बाइंग के, और 4500 अभी नहीं लगता है, इनफैक्ट ऐसा लगता है कि 3900 से 4200 के एक दायरे में ग्वार ट्रेड कर सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। ठीक है, अगला सवाल है गौरव का गंगानगर से। पूछिए गौरव जी। सर कल आपने आंकड़े एक्सपर्ट ने बताए थे सिल्वर के बारे में, तो वो तो सर सारा उल्टा चला गया, सर सारा उल्टा हो गया कल, कैसे बता देते हैं एक्सपर्ट, नुकसान हो जाता है। नहीं देखिए कल की जो गिरावट आई है इसका अंदाजा किसी ने लगाया नहीं था, और आप देखिए कि अचानक से सारे एसेट क्लास जितने भी हैं सब में बड़ी गिरावट आई, और इस बात की संभावना, इतनी बड़ी गिरावट की संभावना किसी ने जताई नहीं थी, किसी को अंदाजा भी था नहीं। तो कई बार ऐसा मार्केट में होता है कि अचानक से मार्केट की चाल उल्टी पड़ती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी हमारे एक्सपर्ट बताते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन कभी कभार मार्केट की चाल एकदम से पलटती है, तो उसमें किसी का अख्तियार होता नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रूड का मार्केट अभी सचिन कैसा लग रहा है आपको? क्या आज शाम के लिए क्रूड में कुछ ट्रेड करना ठीक रहेगा? हाँ मृत्युंजय जी, अगर क्रूड की बात करें तो देखिए डिमांड बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है ओवर द ग्लोब बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। और जो रिसेंट न्यूज आया है उसके अकॉर्डिंगली लीबिया का भी जो है वो उत्पादन वापस से स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो क्रूड के अंदर है। अपसाइड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लगती है, अपसाइड मुझे लगता है एक बार कैप है अराउंड 3,000-3,050 के आसपास में, और करंट लेवल से अगर देखा जाए तो एक बार लगता है कि अराउंड 2,940-50 के आसपास से एक बार शॉर्ट पोजीशंस बन सकती है 3,010 के स्टॉप लॉस के साथ में। डाउन साइड में लगता है कि पर 2,850 और 2,830 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, क्रूड में बाय की कॉल रहेगी करंट रेट पर, 2,880 का स्टॉप लॉस, 2,960 और 2,990 के टारगेट। आपकी कॉल सचिन जी। मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी अराउंड 138.50-139 के आसपास से, 143.20 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, डाउन साइड में 132 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी 531 रुपए में, स्टॉप लॉस 534.50, टारगेट 526 रुपए। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।